यो रात को पी को पड़नी और इसमें तो सुबह शाम दवाई खानी, ठीक है नहीं? अरे ना खा खोल ले अपना फ्रिज कर ले, मेरे बनी और पैसे आए जो मैं तुझे हर टाइम दवाइयों में रखो जाऊंगा। पकड़ी सब ना तो खाऊं मैं दवाई और ना करूं मैं फ्रिज, ठीक है? कमी तेरे में है मेरे में नहीं, तू करवाता फिर अपना इलाज। अच्छा तो ये रिपोर्टें झूठी, ये डॉक्टर सब झूठे हैं, ये तेरे में कमियां बता रहे, ये सब झूठी है। तू हाँ, सब झूठे। रे बट इतने मरूंगा याद रखोगी? अगर मेरे को कमी ना तो मैं भी दिखा दूंगा तुझे, ब्याह करूंगा और 6 महीने बाद वो देख मारोगी जाकर। लाके दिखाइए बहू, ठीक है? तेरी भी टांग तोड़ के गिरूंगी और उसकी भी टांग तोड़ के गिरूंगी, जेल में चक्की पीसता फिरेगा, समझ गया? यूं ही तो मैं लाता नहीं। हाँ ठीक है, चल अपना इलाज करवा। इलाज तू कर ले अपना, फ्रेज कर ले, दवाई पकड़, समझ गई? नहीं कमी तेरे में नहीं है, तेरे पूरा खानदान में कमी, समझ गया? तेरे दादा के तेरे बाबा खेलना, तेरे बाबा के तू खेलना, अब तेरा नहीं चल रहा आगे संबंध तो मैं क्या करूँ? तू जीरो हो गया, चला ध्यान दे। मेरी बात सुन ले, मेरे खानदान के बारे में ना कुछ कहिए, तेरे खानदान में कमी होगी। मेरे खानदान की बात कर रहा तो ले सुन, मेरे खानदान की भी बात, मेरे बाबा रहे ना 12-13 बाण भाई थे और मैं हम नौ थे, समझगा? और 6 महीने पहले मेरे भाई का ब्याह हुआ, समझगा? उसके भी जाकत होने वाला। अरे वो पहले ही किसी और की बुकिंग होगी, समझ गई नहीं? अरे वो पकड़ तू दवाई अपने पर ध्यान दे, समझ गई नहीं? सो खा फ्रिज में रख। ऐसा है पकड़ अपना खान पर, तेरे तेरे खानदान में होता होगा बुकिंग, समझगा? मेरे भाई की नहीं है। चल क्या ड्रामा कर रहा, खा तुम ना, खानदान क्या बात होगी खानदान की? अरे बाबा यू घेरे तेरा खानदान का खानदान खराब हो सारों नहीं होते जाकर। अरे ऐसा हो बेटी, मैं तेरी सारी बात सुनी, वहाँ बैठा था मैं बाहर, मैं उसको मान लो अनदेखा कर रहा था, अनसुना कर रहा था, खानदान में किसी की कमी नहीं है, मैं कहला अपने बाबा को, उसका पता तुझो वजह तो नहीं पती, बस पक बक 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 जिम में पैदा हुआ सालक बर्बाद, मेरी माँ मरगी थी, फिर जब यह पैदा हुआ 6 महीने बाद इसकी माँ मरगी थी, मतलब जब 2 खिलाड़ियों में तो 1 खिलाड़ी आउट हो जाता कहाँ बड़ा स्कोर हो जाएगा, पार्टनरशिप तो नहीं कर रहा कोई। अरे थारा ऐसा लग रहा है मुझे टेस्ट मैच खेल ले, 6 साल हो गए थारे पे एक रन नहीं बना, देखो ये दवाई दी है, ले बेटी इस दवाई को खा, भीतर जा, किसी के खानदान के बारे में नहीं बोला करते, ये जो खानदान है ना तेरा भी हो, ठीक हो पूरा भाई तू? लोगों का काम ऐसा हो, प्यार था समझा, खुआ करो दवाई, लाड़ू लगा तो जहर भी खुआ, जहर भी खा लगी। अरे ऐसी नहीं आई हो, पता सुन ला तू, और तू डॉक्टरों डॉक्टरों को ठो फिर रहा में टेस्ट पेस्ट, उन्हों घंटा नहीं पता चलता, हकीमों की दवाई काम करेगी इस मामले में, और मेरे जानने वाला एक हकीम हो उसको से दवाई ला दूंगा, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ला पैसे 1000 रुपये ले फिर चला जा, कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ क्यों होगा, जाकत होगा, सबसे जोधे बने फिर रहे हैं, बनाएंगे अब्बा। ला रोटी ले आ, क्या घर में बढ़ गई। जी जी पठान वाले जी, साहब वाहिम सलाम जी, और जी ठीक हो? जी बढ़िया यकीम साहब, कहाँ से आए हो? जी झबड़े से आया हूँ जी। झबड़े क्या नाम है जी? परवेज। परवेज क्या परेशानी है? हकीम साहब मेरा काम नहीं चल रहा। काम क्या करते हो जी? मजदूरी। मजदूरी में क्या काम चलेगा तुम्हारा? अभी वो भी चल रहा मेरा तो। परिवार में कितने आदमी है जी? 5 है जी, 3 भाई है। अच्छा, और 2 बहन है जी। भाई का बड़े वाले का नाम क्या है? तासील। और दूसरे का? जाहिद। और तीसरे का? छोटू। भाई तेरे पे ना करवा रखा है तेरे परिवार में से। हाँ डंगो जी। भाई जान ले जरा इनको हाजिर करिए, 300 रुपये लगेंगे हाजिर करने के। आज मैं दे दूंगा, मेरा सारा काम मुक्कल करते हैं, आज मैं दे दूंगा। पर वे जबरेटे वाले अजी से क्या हो गया? पूछो क्या पूछना चाहते हो? इसका परवेज का काम क्यों नहीं चल रहा? इसका काम तो बहुत अच्छा चलेगा, बड़ा ठेकेदार बनेगा ये, लेकिन इसके भाई ने इसके ऊपर करवा रखा है। कौन से भाई ने? सबसे छोटा छोटू। छोटू तुम इसकी जिंदगी से क्यों नहीं जा रहे हो? हमें पैसा मिला हुआ है आगे से। कितना? 5500 रुपये नगर। 5500 रुपये? तुम भी पैसों में भी को भूत साहब। हाँ तुम्हारे यहाँ कौन से पैसे चलते हैं? डॉलर चलता है, डॉलर। अमेरिकन है। आ जाओ जम्मू के भेज में, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई भाई भाई, अच्छा यार भाई
खड़ा हो जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देख लिया भाई? हाँ जी। दिखाइए अपना गुंडा जरा। देख पूरी पिक्चर चलेगी। तुम्हारे तीन भाई है ना? और जी ये छोटू करवा रहा काम। देख इसके पीछे गड़ा पर भेज के दीवार देंगे। इसकी शक्ल पे नहीं है, पूछो। इसकी शक्ल पे है ना तेरा भाई? हाँ जी। बस इसी के सारे काम है बस जी। हकीम साहब कुछ भी करके मेरा करवा दो। कोई बात नहीं, हो जाएगा। 1500 रुपये का खर्चा आएगा। कुछ जुएन और शमशान घाट से राख आएगी और हम आपको तावीज देंगे। 2-3 पेटों में बांधना पड़ेगा। ठीक है जी, लाओ पैसे दे दो। लो जी मेरे पास 500 है जी फिलहाल। कोई नहीं, 1000 कर दे देना। ठीक है जी। इसका शुअर का चले ना चले, हमारा चल गया। 500 आ जाए, 1000 कर पाएंगे। बढ़िया काम इस काम में तो वैसे। और क्या? एक थिया मुझे भी खुलवा दे। खुलवा दे बैठे हकीम साहब। हाँ जी बैठे। अरे बहुत बड़े हकीम साहब, मेरा किसी घमेले का नाम नहीं पूछा और सबके नाम फटाफट बता दिए। इतने बढ़िया हकीम साहब का मेरा काम भी बढ़िया हो जाएगा भाई, मेरा तो मजा आएगा। अस्पताल बढ़िया है तो हम भी हाँ है ना। ये तो दुनिया फिर अस्पताल खोल लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे आना हुआ नेवले भाई? अजी वो घर में दिक्कत से चल रही। जाइए जंगू करिए, भूत प्रेत की बात है। रुको बहुत बात कुछ नहीं। मान लो लोंडे का भी हो जाता 6 साल पहले, कोई जक्कत बड़ा नहीं है। मतलब खुशी का हिसाब बना नहीं तक। चलो कोई नहीं, दे देंगे दवाई। ये दवाई कहाँ दे रहे हो? बुलाओ ना बहू को, देखने का हिसाब बनाऊंगा थोड़ा। क्या नाम है? परी। ठीक है, परी को बुला के लाओ जी, उसे चेक करेंगे। मतलब कुछ कमी तो नहीं है उसमें? अजी लोंडी में ही कमी, हम बता नहीं रहेगा तो मैं चेकअप करवा रखे उसके। अरे लोंडे को भी दिखा दो एक बार कि आप तो उसमें भी कमी हो, मैं चेक कर दूँ। कमी लोंडी में, सारा चेकअप हुई है हॉस्पिटल में, तुम दवाई दो। हमारे यहाँ सारी सुविधा है, मशीनें हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अजीब करवा लिया तो करवा लिया, तुम लोंडी में दवाई दो। चलो दवाई दो जी भाई जान, लिखो। कितने साल हो गए ब्याह को? 6 साल हो गए जी। 6 साल। लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र होगी जी 25 साल। और लड़की की? 26। ठीक है, 3 महीने की दवा लिख दी मैंने। ठीक है जंगू। वो रुको तो, मेरी भी दवाई दे दो जी। तुझे क्या करा, तेरे भी नहीं बच्चे हो गए। अरे मैं तो उठा देता ढूंढ, मेरी तो घरवाली मर गई थी। एक साल में जाकर सो जाता है, दो दिन होते। चल बता तुझे क्या दिक्कत है? मेरा जोड़ो में दर्द हो जी, खेत खाद का काम नहीं होता। और कुछ? बस हस्के चढ़ जा काम कर तो, और कुछ नहीं। ठीक है, ये ले अलग अलग पन्नी में करवा दिए मेडिकल पे जाके। चाय पियोगे? चाय ना जी, चाय नहीं। इसमें क्या होगा हकीम साहब? ये रंग उड़ा देता है, किसी का बच्चा पहला हो ना तो ये से पिया दो, गोरा हो जाएगा। कौन सफा करने वाला है? साफी है? साफी नहीं है, पापी है। इसका नाम हमारे यहाँ पापी है। चलो वो थारा हिसाब है, तुम जानो जी। गई ये पर्चा सी में डाल दे। बहू की कौन सी है? परी की? यो जी सुबेद पन्नी की। अच्छा सी में डाल दे पर्चा। और ये नेवले भाई की? जी नेवले भाई, पीली वाली पन्नी में तुम्हारी है, सफेद पन्नी में तुम्हारी बहू की है। 3 महीने की दवाई तुम्हारी है, 3 महीने की दवाई तुम्हारी बहू की है। परमानेंट खानी है, दोनों का काम पक्का हो जाएगा। कितने की है दवाई? 1200 की भाई जान। 1200 की कैसे? 900 की आटे भाई साहब, बिल दिखाई दीजिए ना। अरे क्या करे भाई साहब, दवाई तो 900 की, 300 में रखे डेट तो मुझे देती। हाँ दवाई यहाँ महंगी होगी, कोई बात नहीं बता दवाई पे। हाँ लाओ जी भाई जान, पैसे दो आप। तो काट दो 1500 है। 1500 भाई जान एक काम कर लो ना आप, भाई जान बहुत पहुंचे हुए आदमी, आप इन पे फूंक मरवा अच्छा लो जी? अब तुम्हारी बहू के लिए ऑनलाइन दुआ कर देंगे, मरवा लो। लो पैसे दे दो। हाँ पैसे दे रहे जी आपके, ये लो 100 रुपये। 1200 की तो दवाई, 300 दो। ये तेरा बाप फ्री में टुड़ाई मारा फूंके। 200 रुपये इसकी चार्ज भी नहीं है। मतलब
मतलब 100 रुपए आदमी है तुम्हारे, 100 रुपए की फूक मार दी, 100 रुपए तुम्हारी बहू के लिए हम दुआ करेंगे। भाई साहब हमारी फूक करे ना 150 रुपए है, ये तो आप तुम हमारे पुराने कस्टमर हो इसलिए 100 रुपए करे। अच्छा बच्चा पक्का हो गएगा, अजी याकत होगा कोई बात नहीं, हम तो 1000-2000 रुपए और तो जाएंगे नाम मत। वही तो, अल्लाह पाक आपको शिफा दे, आमीन। दंगो जी भाईजान, वो हमारे पास एक पटरी वाला कस्टमर आया था जी, उसका क्या हुआ? वो तो मर गया था जी। मर गया था? कौन सी दवाई दी थी तूने उसे? इसमें तो दी थी पहले वाली, जब ही तो मरा हूँ। क्यों? ये तो चूहों की दवाई है। चूहों की? और क्या, तू ना पी लियो से हटते और ना तुम्हें यहाँ बनावा मिलेगा। मैं तो ऐसा हो रहा था कोक में, मैं तो मारने वाला था, इसके दो ढक्कन ला, 150 रुपए फोन पे कर जल्दी। लाओ वो दो फूक के मेरे 200। चल कोई नहीं, 50 रहेंगे मेरे। अरे चाह बराबर है, बराबर नहीं, 50 रुपए रहेंगे मेरे। भाई मानना ना, करा करने तो सबको बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा सबको कि तेरे पे कुंडी पढ़ना लिखना तो वैसे ही ऊपर करके फूक मार दे। चल छोड़, इतनी बड़ी बात नहीं है, 50 रुपए की तो इधर या उधर हमारे टीवी पे बैठा, नहीं तो टीवी फूक में जाती। कहाँ गया? काम पे गया। काम पे गया तो हकीम को गया था मैं तेरी दवाई लेने। और ऐसा हकीम हो के जिस दवाई दे दी ना समझो, बस अगर मौत आए तो बस मान लो मर जाएगा, नहीं तो कूदता ही फिरो गए में ब्रश के ले लो। ले आ पकड़ पहले तेरी सफेद मेरी। इसको खा लिए 2 महीने में ही मोहल्ले में खुशखबरी की खबर सुना दूँ मैं। ठीक है, गारंटेड इलाज करो वो हमारा हकीम। ठीक है सुन, तो गर्म पानी के साथ सुबह शाम दिखा, फेंकने फेंकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ले मेरी भी ले जा, वही जा खुशखबरी आओगी। ए रोटी पूछा दी यार, और क्या जा जा वहां घूम में बैठ कर मजा वो खाते हो। बाबा, ए जी बाबा, वो बैंक दे दी थी पैर। हाँ दे दी, वो 5000 सस्ती गई थी। अरे मेरे पास आगता, वो तो पूरे कह रहा था पैसे, वो बस जीप जा मान लो, जीप बिक जाना चीज फिर धोरो लगो ये मान लो चढ़ाने को। हाँ ये तो है, चल ठीक करा जीप दे दी। एक काम कर तू यार, मेरे पेट में हो रही दिक्कत, पेट भारी भारी सा हो रहा है, झाड़ू तू मार लो। चल झाड़ू तो मैं मार रहा है, एक काम कर डॉक्टर को दिखा ले। वो डॉक्टर नहीं, हकीम कह जाऊंगा, उसको मान लो फायदा हुआ जोड़ो में जरा था जो। चल ठीक है हकीम को या ठीक। चलो बिल्लो चल। और ऐश्वर्या हो? रकीम साहब ठीक हो? हाँ जी बढ़िया हो, ठीक हो नेवले भाई? बढ़िया जी। जी कैसे आना हो? जी वो थारे पे जोड़क दवाई लेगा था, जोड़ों में तो बहुत फायदा। अच्छा, पेट में थोड़ी दिक्कत से आ रही थोड़ी, फिर से रहा। कोई बात नहीं, हो जाता है, आजकल के खाने जो है ना वो हजम नहीं हो रहे। ये लो ये शीशी ले जाओ, सुबह शाम पी लियो। भूख है ना? ठीक है जी, 100 रुपए दे दो और बड़े भाई पे फूक मरवा लो, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। मेरे पता 50 ही बच रहे जी आज। कोई नहीं 50 ही दे दो, लाओ पूरी मरवा लो, बहुत बढ़िया रहेगी। बड़ी एक फूक 50 बजा जा। चलो हो गया काम, पढ़ा पढ़ाता है ना कुछ, 50 में इतना ही होता है काम, फालतू नहीं। मैं पूरी किताब पढ़ के मारूंगा फूक अब तेरे में 50 में। ठीक है जी ठीक है। एक बात कहूँ जी भाई जान, तेरा भी काम तगड़ा चल गया फूक का। मेरे दो के गुब्बारे में ही भरता तू हमारे, अब तो हवा तेरी खत्म हो जाती मोटी। बस भाई जान इस काम के लिए तो तुम्हारा शुक्रिया दिल से भी करूँ ना, जब भी ना हो कोई तो मेरी इतनी मदद करी। गुब्बारे में हवा भरे था तो होगा बिगे था, और यहाँ हवा तेरी 50-100 की बिगड़ी। वही तो बात है, तूने भाई माँ का कहा मानना, अपने भाई का ध्यान रखा। अरे माँ मूंगा नहीं, मैंने कहना मानना, मुझे तो एक आदमी चाहते यहाँ पानी पिलाने वाला। बाबा लो चाय पी लो। चाय? और तुम्हारे इस पेट में क्या घुस रहा, ये इतना मोटा हो जा रहा। अरे पता नहीं क्या सुबह घुस गया इसमें। लो चाय पी लो। कहाँ जा रहे तुम? मैं बाहर जा रहा दुकान तक। बाबा का पेट देखा कितना मोटा होता जा रहा, तुम्हें कोई फिकर फकर है नहीं है? तेरा भी होगा नहीं, मुझे तो फिकर हो। चलो बड़ा
काम कर यहाँ पे, उसे दिखा दू कहीं से जाके जा। बाबा अरे क्या कर रहा? अरे कुछ नहीं भाई, पेट में दिक्कत हो रही है भाई। क्या भाई, कुछ दुखन दुखन भी का कल्ला हो रहा? ना दुखन दखन कुछ नहीं है, वो पता नहीं क्यों फिरता जा रहा सब रहा। चल फिर तेरे डॉक्टर को ले कर चलूँ। अरे डॉक्टर कहाँ जाते हैं भाई? क्यों वहाँ चलेंगे, हकीम का डॉक्टर बहुत पैसे ताड़ लगा। चल हकीम का चल चल। तो गड्डी कहाँ तेरी? अरे गड़ी कहाँ तो घुमा कर ला, मैं तो अपने आप उठ जाऊँगा। हाँ चल चल। हाँ चलो हट। चलो बाबा चल घुमा के गड्ढे को घुमा तू। क्या आए आए। भरना भाई पकड़ लूंगा मैं। ले बैठ। आए आए। हमारे तो बाबा को भी पता नहीं क्या होगा। आ जा बाबा। चल मामा। दो चम्मच शाम, दो चम्मच सुबह। एक मिनट यहाँ खड़ा रहो, मैं कुर्सी ले आऊं। हकीम जी सलाम अलैकुम। वापस पे बैठ। अरे क्या बात होगी भाईजान? भाईजान हकीम जी मेरे बाबा का पेट में बहुत दिक्कत हो रही है, थारे अलावा किसी पर दबा लेते हैं। नहीं भाई वो क्या हुआ? मुझे पता नहीं, बस अपने आप ही हो रहा। दुखन है थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं है। अल्लाह टाइम करे ये क्या हो गया? हकीम यही का बाबा? नहीं इनका भाई हो हकीम तो। हकीम जी को बुलाओ ना आज ही फिर। जी बुला रहा हूँ भाई साहब, बुला रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ। ये तो मामला उल्टा पड़ेगा। हाँ गंगू। कहाँ से भाई जान? मैं यहीं से बेटा। जो नहीं लाया यहाँ से? हाँ तो कोई नहीं, दे दे इसको दवाई। कहाँ से दवाई दे दूँ? इसका तो बहुत मोटा पेट हो रहा है, लगी कसम इसकी तो बहुत हालत खराब है। ये छुअर मरेगा, एक काम कर इसे यहाँ से रेफर कर दे, कह दे कि अस्पताल में दिखा लेंगी कहीं। ठीक है भाईजान, ठीक है। जी भाईजान। आ रहे जी हकीम जी। बड़े भाई नहीं आने गए, वो दुबई गए हुए ट्रम्प की नौकरी को दवाई देने। दुबई गए हुए ट्रम्प तो अमरीका का। अरे भाई साहब उनके वहाँ भी प्लाट है, उनकी लाइफ के लिए गए हुए। तुम एक काम करो, मैं इन्हें भाई साहब को ना रेफर कर देता हूँ, क्योंकि इनकी हालत बहुत सीरियस है। छोटा भाई होता तो केस को संभाल भी लेता, मेरे बस में नहीं है। ये लो। ठीक है जी चलो। एक काम करो, फूक मरवा लो। लाओ फूक क्यों? ना ये फूक नहीं बस। अरे मरवा लो, 50 रुपए ले लो आज। जहाँ दवा ने काम कर, वहाँ दुआ काम कर जा। मरवा ले बाबा, लंगड़े लुल्लो की दुआ काम कर जा। मार दो भाई पैसे। भाई लो जी जल्दी ले जाओ जरा इन्हें, कभी मर मर। चलो बाबा कार में बैठ जा करे। चलो बाबा चलो। वो कत ही थोड़ा मर गए भाई। बाबा यहाँ बैठ जा। बैठा रहा मैं, डॉक्टर से बात करी हूँ। थोड़ा जल्दी जा, 1000 रुपये फालतू भैंस भेज देंगे सब रे। जान बचने चाहिए भाई जी। नंबर लिख लियो करे। दर्द कहाँ पे है भाई? अच्छा इस जगह। सांस लो, छोड़ो अब। अब फिर से लो, फिर छोड़ो। कोई बात नहीं अंकल जी, आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अरे अल्ट्रासाउंड क्या, अगर ऑपरेशन करना पड़ रहा है वो भी कर दो। आपके साथ कौन है? वो मेरा जाकर बैठा है बाहर। ठीक है मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है। नेवले के साथ कौन है? मैं हूँ जी। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं अंदर आपको। अच्छा जी, यही से जी। ले भाई कल बुलाया देखो है टाइम। चलो कोई नहीं, मरना तो सबको। ओ भाई पूरा बैठे, कौन बीमार हो भाई थारे का? दादी तो फेंके उठे कर रहा, मैं बाबा बन कहीं जा रहा। अब कुछ कहना था तो मैं भी जाने वाला, बता दे रहा हम कह देंगे जाकर दादी के बारे में। तो अपना काम कर। ये नेवले क्या लगते हैं आपके? अजी अब्बा हुए थे मेरे। अच्छा एक बात बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ मैं आपको।
क्या कर रहे थे मेरे पापा को? घबराने वाली बात नहीं है। और तुम्हारे पापा ये प्रेग्नेंट है। पापा? हाँ पापा प्रेग्नेंट है आपका। पापा इतनी खुश है? अच्छे पागल आदमी है यार। क्या बात होगी? अरे बाबा जो मेरी बहू बनी है 6 साल तो तूने कर दिया। क्या करूं बाबा तू माँ बन गई। हम बाबा थे बाबा ही रहेंगे, माँ चाह रही तो तू उसे ढूंढ लो कोई, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे चल बाबा मुझे तो मिल गया जो चाह रहा था। बस बाबू बस। चल बाबा उधर। अच्छा क्या बताया डॉक्टर ने? अरे डॉक्टर ने जो बताया जो बाबा उतरवा दे। अच्छा क्या हो गया बताओ तो, ठीक भी है नहीं? बाबा चल ठीक है तो चल तू। बे पढ़ जा आराम से। क्या हुआ? वो यार जो तेरे पर नहीं आज तक। क्या मतलब? तू जो हमारे खानदान को नाम धर रही थी ना, सारे खानदान में कमी है। हमारे खानदान के मरीज भी बच्चे थे वो। मेरा बाबा प्रेग्नेंट। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो हो गया, जब तेरे जैसे लौंडिया बेटी टूट दिखा मेरे में कमी नहीं आया, अल्लाह ने दिया और कैसे हो गया। और आज के बाद एक बात सुन ली। क्या? सारे भारी काम तू करोगी, पानी का बाल्टी तू उठाओगी, बाबा का पैर ऊंचे नीचे बना जा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अरे एक और बात, बाबा को ऊपर ना चढ़न दिया, 10 दिन की बात है सिर्फ, 10 दिन में अल्लाह करो खुशी हो जाएगी। हाँ ठीक है। ठीक है चल बाबा। खट्टा का जी कर रहा दिमाग खराब कर रहा। यो ताकत कहीं होल्ड लगोगी 10 दिन की बात है, कहाँ इतरा रहा। आए, 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 अब्बा आए। लो चाय पी लो। अब्बू मेरे पानी पिए जा रही। क्या कर रहा? ओ तरह तो ज्यादा हो रहा, लो पी लो। नहीं आए। 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 अजी क्या भगते ही रहोगे कि बाहर निकलो? क्या बात होगी भगते ही रहो पूरे दिन, क्या करो था मंदिर पढ़ के? उसे देख लो जाके बाबा को। क्या करा? दर्द पीड़ हो रहा उसका, उसे वहां ले जाओ डॉक्टर डॉक्टर के। अच्छा जी जल्दी बाबा। ए बाबा क्या बात, चल हॉस्पिटल में चल। अरे हॉस्पिटल में जाते हैं क्यों? उस पर हकीम पर फोन कर ले। अरे तुम हकीम क्या करेगा, अच्छा बच्चा केंद्र में जाना पड़ेगा, 2000 रुपए मिलेंगे अगर लोंडा जाओ, लोंडू 5000 मिलेंगे, पैसे तुरा किया मतलब जाकर जाकर चार। अरे तू सो हकीम को फोन कर लो, डॉक्टर को कुछ नहीं पता ना, तो नहीं ओली सोली बता दी या कुछ और बीमारी। चल हकीम को ही बुला रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हकीम जी ठीक हो? बढ़िया भाई बढ़िया। कौन? मैं बोल रहा जी नेवला का लौंडा। अच्छा नेवला जी रहा या मर गा? अजी उसी बारे में तो बुला रहा मैं आपको, देख लो जी आगे थोड़ा जल्दी। भाई देख हम तो आ नहीं सकते, बहुत भीड़ हो रही है हमारे पास तो। भीड़ हो रही? अजी अजी देख लो हमारा बाबा बिल्कुल मरना हो पड़ा। अगर तुम्हें भी बुलाने फिर इमरजेंसी के 400 रुपये लगेंगे। कोई बात नहीं जी, इमरजेंसी के पैसे भी दे देंगे हम तुम्हें। ठीक है आ रहे हैं। अरे वो नेवला नहीं है क्या? उसका पेट पटकेगा मुझे ऐसा लग रहा है। एक काम कर 2-4 दवाई यहाँ डाल ले, इंजेक्शन डाल ले पेट में, उसके दर्द वर्द हो रहा होगा, कुछ दे देंगे। हाँ जल्दी भर ले बैग में। आओ नेवले भाई। आइए हकीम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नेवले की बहू हो गया जी? भाई बहुत ही खतरनाक बीमारी लगी कोई ना जी? बीमारी नहीं है और? ये तो माँ बनने वाले। माँ बनने वाले मतलब? अजी अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें प्रेग्नेंट आई है। अल्ट्रासाउंड मंगवाने थे ना? अजी लाइए अल्ट्रासाउंड। लोगी जी हकीम जी ये देखो जी, ये एक सरा जी बाबा का। अरे मुझे दिखाओ भाई साहब, इसके तो पेट की हड्डी टूट गई भाई जान। हड्डी टूट गई देखो, ये
ये बच्चे का सिर है, सिर है। वो दवाई लाना नेवले भाई की जो हमारे यहाँ से चल रही थी। दवाई लाइए अपनी, बाबा की भी ले आइए, बाबा की बुला। इसने सुरो ने गड़बड़ी कर दी, मुझे ऐसा लग रहा जो इसकी बहू को दवाई दी थी इसने पी ली वो। जब भी तुझने पेट बाहर रहा है मुझे लग रहा है सच में बच्चा ही भाई साहब। लो जी हो रही बाबा की दवाई ले आओ। ये दवाई कौन खा रहा? अजी यही खा रहे। जब भी तो 9 महीने वाले ऊपर थे ये दवा बहू की थी। हमारी दवाई की पावर अगर किसी लड़की को भी खिला दी ना वो भी बच्चा दे ही देगा इंशाल्लाह। और एक बार बताओ मैडम और भाई साहब आपको भी, एक बार चले गए हमारा पता कहाँ से ऑर्डर आया बच्चे का? अमेरिका से। कहने लगे आने जाने की फ्लाइट की टिकट हम करवा दे, मगर भाई साहब 1,00,000 रुपए लेंगे। कहने लगे कोई बात नहीं। मैंने कहा काम बताओ कि जी 2 बच्चे चाह रहे। फिर कितने करवाए थे उसके बताना जरा। 60 बच्चे। सुना नहीं था तुमने अखबार में फोटो आया था एक बच्ची वो पढ़ी हो रहा था 60 बच्चे पढ़े। अजी थारा फोटो था आंधा अखबार में। अरे हमारा फोटो तो इसलिए नहीं आया था अखबार में, जगह ही नहीं बची थी। जगह नहीं बची थी भाई साहब, हमने तो हमारा तो फोटो आता सम्मानित है वहाँ के। हाँ। वहाँ के राष्ट्रपति ने हमें पता नहीं क्या पद्मश्री से क्या दिया था। वो दिया था फ्लाइट का टिकट था। अभी एक काम करो अभी से अपना हॉस्पिटल ले जाओ, 1,00,000 रुपए का खर्च आएगा। एक बार बताओ मैडम अगर बड़े ऑपरेशन से बचना और कम से कम 1-1.5 लाख का खर्च आएगा तो इस काम को हम कर सकते हैं क्यों भैया? क्या अरे नहीं भैया रिक्स ले लेंगे, हमारा पुराना ग्राहक है ये डिलीवरी हम 50,000 में करवा देंगे। जैसे पुराने कस्टमर है शुरू से इलाज हमारे यहीं का चल रहा। हाँ। केस का भी हमें पता। हाँ इसका एक फायदा और होगा, तुम ये बताइयो कि हमारी बहू पे हुआ बच्चा, ये ना बताइयो कि नेवले भाई पे हुआ। हाँ अगर हॉस्पिटल जाओगे सारी दुनिया को पता लगेगा बाप पे लौंडा पैदा हुआ। चल भाई रे फोन चार्ज करवा ले। हाँ ये मर सके हुआ जो भाई कहते हैं बच्चा मोटा है। वही तो जरा ही जरा यू डोंट नो। जी हकीम जी ये भाई साहब इस पे जरा जल्दी साइन करो डोंट नो यहाँ पे। अरे इनसे पूछ तो लो किस चीज के साइन करवा रही हैं। अरे मैडम थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करानी पड़ती है। वैसा है किस चीज का? अरे बता दूंगा भाई साहब बता दूंगा, अभी इतना टाइम नहीं है। मैडम आप भी करो साइन फटाफट, जहाँ जहाँ सीने कर रखे वहीं करो, सब जगह करो करो। चलो बस ये भाई फॉर्मेलिटी पूरी करानी पड़ती है, कल कल आगे बच्चा बच्चे की माँ मर जाए। माँ नहीं तुम्हारा अब्बा। अच्छा तो उस चीज के जिम्मेदार आप हो, हम नहीं हो। हमारा दवा खाना इस चीज की गारंटी नहीं लेता, इस चीज के साइन कराने पड़ते हैं। आप बैठो 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 जरा। कोई नहीं नेवले भाई थोड़ी देर में बाहर हो जाएगा। भाई जान हो गए साइन हो गए ना, पैसे ले लिए? पैसे ढूंढ लिए और मोट ले रहा साइन का। उसे बोल की चड्डर लेके आवेगा और पैसे लाए मुझे दे, मैं ग्लव्स पहनता हूँ जब तक। उसे बोल जल्दी हो। ग्लव्स तो मेरी जेब में भाई जान, ये लो एक जोड़ी ले लो। अरे पेशाब लो आइए बोल चद्दर भिजवाएंगे और पैसे ले लिए। जी लो भाई साहब पैसे भी चाहेंगे, बाहर से थोड़ी दवाइयाँ आएंगी। 30,000 दे दो। लो जी 30,000 है ना? हाँ जी पूरे 30,000। ठीक है भाई साहब ठीक है। मेरी बात सुनो, इधर कोई ना है ना आप आए और ना आपकी वो आए बहू। ना जी कोई नहीं आएगा, वो थोड़ा ध्यान दे करियो जी। टेंशन ना लो बच्चा नॉर्मल होएगा। अरे घबरा ना यार। हो गया भाई साहब पेमेंट? इतनी उम्र में भी घबरा रहा हूँ। हो गया ना? एक डायरेक्ट का इंजेक्शन लगाओ इसके भाई के, दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा है। नहीं कोई नहीं कोई नहीं जल्दी लगाओ। अरे इसको फाल ले यार इसी करके, वो निकाल इंजेक्शन। भाई जान वो शीशी कर देगी। सॉरी भाई। चल कोई नहीं पानी की बोतल निकाल। भांजी जी हाँ जल्दी निकाल। इससे कुछ होगा यार, पानी से क्या हो रहा? हो तेरे से होगा क्या? जिसे लगना हो पानी ही लग जा, हम कुछ नहीं कर सकते, सब ऊपर वाले का काम है। तू सिर्फ करे एक मुंडा कर। करियो जी कुल्ली डर को चल। लो जी पीजा पीजो पीजा। अब जैसा ही मैं कहूँ ना जोर लगा तो पूरी जोर लगानी। चल जंगू उठा जाइए जरा। बिस्मिल्लाह यहाँ से जोर लगा इधर को।
चलो भाई चल, जान लगाओ, जान लगा के जान लगाओ ना भाई जान, रेपट मार रहा है सुअर। कोई नहीं, वो होश में नहीं, एक काम कर तू, डर जा, मैं संभालूंगा इधर से इसको, ठीक है, बच्चा खींचना। रुक जा लास्ट बार ट्राई कर रहा हूं, वरना छोड़ दूंगा ये केस में। लगा जान, लगा जोर। पेट कहाँ गया भाई? अरे हम तो ठीक हो ले, पेट कहीं भी जा। ये भाप नहीं है, ये 9 महीने का दुकान पाठ है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया लगी होगी। एक प्यारी सी कमेंट कर दो, और लाइक का बटन फ्री है, लाइक जरूर करें, और मम्मी पापा पुप्पो ताई चाचा जो भी दूर है आपसे सबको वीडियो शेयर कर दो। और दोस्तों मेगा ट्रेड इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सीखो ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।